अरे तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया हो। अगर तुम्हारी पढ़ाई एकदम ना फर्स्ट क्लास रापचिक बहुत मजेदार तरीके से चल रही होगी, और उसी के साथ हम भी आ गए हैं आपकी हेल्प करने। और ये है आपके सामने सीएमए फाउंडेशन के पेपर वन के स्टडी नोट नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, तो जिन भी बच्चों का दोनों पार्ट मिस हो चुका है उसको देख लेना और फिर इसको कंटिन्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी पूरा देख लो, फिर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं। और हाँ भैया, ध्यान रखना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी जो आने वाले पार्ट है वो भी आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो भैया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एथिक्स की वीडियोस भर भर के इस चैनल पे पड़ी हुई है। और कौन से टॉपिक के ऊपर तुमको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में कर देना, हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो टॉपिक भी आपको ला के प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ आपके अगर कोई और भी दोस्त हैं जो सीए सीएस या 11th 12th वगैरह में, तो उनके लिए भी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है, उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखी हुई है। जरूर अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ स्टाइल समझ में आता है, पढ़ाई की बात समझ में आती है, मजा आता है वीडियो में, तो अपने दोस्तों के साथ, सीनियर जूनियर्स के साथ जरूर जरूर। ठीक है, ठीक है। तो भैया बातें बहुत हो गई इधर उधर की, हम आज ले रहे हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें टॉपिक हम कवर करने वाले हैं प्लानिंग का पूरा प्लानिंग, जो आपके स्टडी नोट नंबर 9 में है। आज एक पार्ट में, एक ही इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, अब ध्यान दो भैया, जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो होने वाला है प्लानिंग, और यही हमारा पहला और आखिरी टॉपिक होने वाला। ठीक है, पूरी की पूरी प्लानिंग के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स है सब पढ़ लेंगे, सब खत्म कर देंगे सिर्फ और सिर्फ इसी एक लेक्चर के अंदर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब प्लानिंग होता क्या है, तो क्लास 12th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपका प्यारा सब्जेक्ट हुआ करता था बिजनेस स्टडीज, जिसका चैप्टर नंबर 4 था प्लानिंग के बारे में। सारी बातें वही चीज हमको समझनी है। ठीक है, एक फटाफट से आपका रिवीजन होने वाला है। तो चलो मुझे बताओ कि प्लानिंग आखिर होता क्या है। तो आप लोग बोलोगे कि प्लानिंग मतलब प्लान करना किसी भी पर्टिकुलर चीज, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, जब अपन प्लान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, समझ गए भैया। अब ये बताओ कि प्लान करना मतलब प्लान बनाते हैं, प्लान करते हैं, ये प्लान आखिर होता क्या है। तो प्लान मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, हमको आगे कुछ इवेंट करना है, कोई एक्शन लेना है, उसके बारे में हम अभी से ही सोच रहे हैं। ठीक है, आगे इन फ्यूचर हमको कोई एक्शन परफॉर्म करना है, जिसके बारे में हम अभी से सोच रहे हैं कि क्या हमारा वो एक्शन, हमारा वो डिसीजन सही होगा या नहीं। ठीक है, ध्यान देना, प्लान हम किस चीज के लिए बनाते हैं, कि आप हमको इन फ्यूचर कोई एक्शन, कोई टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, पास्ट में कोई भी एक्टिविटीज हो गई है उसके बारे में हम कभी भी प्लान बनाते हैं क्या, कभी भी प्लान नहीं। जैसे अब आप सब सीएमए फाउंडेशन में आ चुके हो, 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए थे उसके बारे में आप अभी से प्लान करोगे क्या, कि आपको फिर से 10th क्लास देनी है क्या, नहीं देनी है। तो क्या आप कभी भी 10th क्लास के बारे में आप प्लान करने वाले हो, 11th के बारे में करने वाले हो, बिल्कुल नहीं करने वाले हो। अब आप प्लान करोगे कि आपको सीएमए फाउंडेशन कैसे क्लियर करना है, फिर इंटर कैसे क्लियर करना है, फाइनल कैसे क्लियर करना है, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए, फ्यूचर के बारे में, क्या बोला मैंने, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए फ्यूचर के बारे में प्लान करोगे। ठीक है, टेक्निक्स बनाओगे, स्ट्रेटजीज बनाओगे, वही क्या है, यानी फ्यूचर में हमको क्या एक्शन लेना है उसके लिए आज से हम डिसाइड कर लेंगे, एडवांस में डिसाइड कर लेंगे कि कल हमको क्या करना है, वही होता है प्लानिंग। पास्ट में कोई भी एक्टिविटीज हो गई हो, कोई भी इवेंट हो गया, उसके लिए हम आज प्लान नहीं करते, हमको फ्यूचर में क्या कैसे करना है उसके लिए हम प्लान करते हैं। एकदम सिंपल, कोई कठिन बात है क्या, नहीं है। अब देखते हैं टेक्स्ट में, बुक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था कि प्लानिंग क्या एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी बाय विच मैनेजर एनालाइजेस प्रेजेंट कंडीशन टू डिटरमाइन वेज ऑफ रीचिंग अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। ठीक है, प्लानिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मैनेजर डिसाइड करता है आज की कंडीशन को देखते हुए कि उसको आगे कहाँ पे जाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये है अपना प्यारा मैनेजर, ये डिसाइड कर रहा है, सोच विचार कर रहा है कि आज हम यहाँ पे हैं, हमको कल को यहाँ पे जाना है, तो इस पोजीशन पे हम कैसे जाएंगे, बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। क्लियर हो गया। तो मैनेजमेंट में एक मैनेजर क्या करेगा, आज की सिचुएशन देखेगा और ये देखेगा कि हमको आगे क्या करना है, और आज की चीजों को एनालाइज करेगा, एक फ्यूचर का फोरकास्टिंग करेगा और लाइकवाइज अपना प्लान बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लानिंग इज बोथ एन ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी एंड अ मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लानिंग क्या है भैया, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत भी है और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत कैसे, तो प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक प्लान बनाएंगे ही नहीं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होगा कि आज हमको क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि हमने प्लान बनाया नहीं, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी और साथ ही साथ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लान कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। ठीक है, आगे, through planning organization choose goals based on the estimates or forecast of the future, concern for future is intensified by the facts of rentless
unremitting change. The purpose of planning, in the words of Dalton McFarland, is twofold: to determine appropriate goals and to prepare for adaptive and innovative change. तो बाबा डेल्टन ने क्या बोला है कि भैया प्लानिंग क्या है, दो फोल्ड में डिवाइडेड है. पहला कि हमको हमको गोल्स, ठीक है, हमारा जो टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो डिटरमाइन करना है. दूसरा क्या है, हमको प्रिपेयर करना है अडॉप्टिव, ठीक है, प्रिपेयर फॉर अडॉप्टिव एंड इनोवेटिव चेंजेस. फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे चेंज हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमको रेडी रहना है. उसको कैसे अडॉप्ट करना है जल्दी से, इसके बारे में हमको रेडी रहना है. और यही क्या है, प्लानिंग है. किसकी भाषा में, तो बाबा डेल्टन मैकफारलैंड की भाषा. ठीक है सर, और भी बाबा होंगे जिन्होंने प्लानिंग के ऊपर अपना भैया ज्ञान, अपनी डेफिनेशन दी होगी, तो बिल्कुल है. वो ही क्या है, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ. ठीक है, तो इसमें जितने भी बाबा हैं, बहुत सारे, ये देखो भैया नोट्स हो गया, ओडिनेल, फिर यहाँ पे जॉर्ज टेरी, फिर से डेल्टन, थियो हाइमन, इतने सारे जो बाबा, इन्होंने जो जो डेफिनेशन प्लानिंग की दी है, वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है. एक बार पढ़ के छोड़ देना, कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. सब लोग घुमा फिरा के यही बात करते हैं कि प्लानिंग का मतलब आज की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए फ्यूचर में हमको क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, उसी को क्या बोलेंगे, प्लानिंग बोलेंगे. ठीक है, तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, बाकी वीडियो पॉज करके तुम पूरी डेफिनेशन पढ़ लेना. पहला, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब भैया बहुत दिमाग का खेल है यहाँ पे. ठीक है, द कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. तुमको क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन तुम्हारा क्या होने वाला है. बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट्स. ठीक है, किस पे जो तुम्हारा डिसीजन है, किस पे बेस होगा, कि तुम्हारा पर्पस क्या है, क्या फैक्ट्स हैं सिचुएशन के और क्या एस्टिमेट्स है, इसी पे तुम्हारा जो प्लानिंग है वो बेस्ड होने वाला है. प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. ठीक है, तो घुमा फिरा के सभी का मीनिंग वही निकल के आएगा. वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लेना, ज्यादा इसको रटने की, याद करने की कुछ खास जरूरत है नहीं. तो इसी के साथ अपन अब आगे बढ़ेंगे सीधा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग. की भैया प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स है, यानी प्लानिंग के अंदर कौन सी सारी क्वालिटीज हैं जो हमको देखने को मिलेगी. तो सबसे पहला, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या, फर्स्ट फंक्शन. सबसे पहला, प्लानिंग के पहले कोई है ही नहीं, प्लानिंग से ही मैनेजमेंट के सारे फंक्शन की, जैसे स्कूल में होते हैं ना प्राइमरी, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन क्लास 1, 2, 3 बढ़ते. तो प्राइमरी यानी क्या, सबसे पहला, फर्स्ट. तो वही प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी इसके पहले कोई भी फंक्शन नहीं है. प्लानिंग से ही मैनेजमेंट के सारे कामों की, सारे फंक्शंस की शुरुआत होती है. वैसा क्यों है, क्योंकि प्लानिंग में ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, मोटिव, एम, टारगेट क्या होने वाला है. उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या अपने बाकी के सारे एक्शन लेते हैं. तो जब तक हमारा टारगेट डिसाइड नहीं होगा, क्या हम बाकी के फंक्शन कर पाएंगे, आंसर इज नो, नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए प्लानिंग क्या है, फर्स्ट या प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का. क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया. दूसरा क्या है, इट इज गोल ओरिएंटेड. ऊपर वाले प्लान में अपन ने देखा था, ऊपर वाले फंक्शन में अपन ने देखा था कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में हम डिसाइड क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाला है. तो वही हो गया कि भैया प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है. इसमें अपन गोल डिसाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एकदम फोकस हमारा रहता है कि हमको क्या एम, क्या टारगेट हमारे आने वाले समय में लेके चलना है. ठीक है, फिर गोल हम अपने ले लिया, उसी के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव करना है, कंसर्न विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का इस चीज पे भी फोकस रहता है. सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में अपन क्या करेंगे कि गोल क्या होना है. तो ये बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो गया. अब उस गोल को पूरा कैसे करना है, तो वो अपना 7 पॉइंट हो गया. यानी तीनों पॉइंट में एक ही बात घुमा फिरा के दूसरे अलग तरीके से कह रहा है, और वो बात यही है कि गोल अपने को सेट करना है, उसको क्या गोल होने वाला है और कैसे उसको फुलफिल करना है. तो ये 3 पॉइंट कनेक्टेड तुम्हारे लिए एकदम ईजी हो गया. दूसरा देखो, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. तो अभी अपन ने ऊपर देखा कि प्लानिंग में भैया बहुत बुद्धि की जरूरत पड़ती है, ब्रेन को यूज करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आजकल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत ही ज्यादा डायनामिक है. तुरंत तुरंत कस्टमर्स की नीड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजीज वगैरह सारी चीजें फटाफट चेंज हो जाती है. तो उससे हमको अडेप्ट करके चलना है, साथ में हाथ मिला के हमको चलना है. ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे. तो सारी चीजें, सारा इन एंड आउट, लेफ्ट राइट सेंटर, सब चीजें हमको स्टार्टिंग में प्लान करती रहनी है. ठीक है, स्टार्टिंग में ही प्लान करके रख देना है कि आगे हमको कैसे एक्शन लेना है. क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया. फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग क्या है, परवेसिव है. परवेसिव है मतलब हर जगह लगने वाला है. ठीक है, हर जगह मतलब इट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्क नहीं पड़ता टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे प्लानिंग चाहिए. ठीक है, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सर्विस मोटिव है या गुड्स वाली तुम्हारी कंपनी है. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, प्लानिंग तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में करनी ही पड़ेगी, ताकि जो आपके फंक्शंस है वो स्मूथली परफॉर्म हो सके. कमॉन, क्या, जो आपके फंक्शंस है वो स्मूथली परफॉर्म हो सके. बढ़ते हैं नेक्स्ट
पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंटिन्यूअस फंक्शन। प्लानिंग क्या है भैया? कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आजकल का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, कब क्या फटाफट चेंज हो जाए, कब कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, और अगर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट से ना बाहर हो जाएंगे, पतली गली भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई भी चेंज हो गया तुरंत हमको नया प्लान वहां पे बनाना पड़ेगा, नई सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि इससे हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है और उस इंपैक्ट को हम कैसे हटा सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है? ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फिर छोड़ दिया कि भैया आप तो छुट्टी करेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसा चीज बिल्कुल नहीं यहाँ पे होने वाला। प्लानिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है, बार बार हमको देखना पड़ता है, चेक रखना पड़ता है कि हमने जो सोचा था क्या वैसा काम हो रहा है, वैसा काम नहीं हो रहा है क्या, तो क्यों नहीं हो रहा है, फिर से नया प्लान बनाओ, वैसा काम करके रहेंगे अपन। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। वन हैज टू बी इन टच विथ द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब इसके साथ, इन्वॉल्व चॉइस। तो प्लान में क्या हमको बहुत सारी चॉइसेस का सामना करना पड़ता है। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एक चीज, एक टास्क को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक आंसर को हम 10 तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। ठीक है, जैसे तुम 12th के बाद निकले, तुम्हारे पास सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस। ठीक है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, सीए, सीएस, सीएमए करना है। ठीक है, कोई इंटरनेशनल कोर्स करना है, कोई डिप्लोमा करना है, क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, बहुत सारे थे। तुमने क्या किया, तुम्हारे पास जो सारी चॉइस थी तुमने एक को पकड़ के अब तुम आगे बढ़ रहे हो वहां पे। तो वैसे ही प्लान में भी एक टास्क को करने के लिए, एक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या होता है, चॉइसेस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक टास्क को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, हमको वो तरीका सेलेक्ट करना होता है जो हमारे लिए बेस्ट चॉइस हो, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए सुटेबल हो। क्लियर हो गया? हां जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये थे तुम्हारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में टोटल तुम्हारे 7 पॉइंट्स है, जिसमें से 3 तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। पहला क्या है, प्राइमरी फंक्शन। दूसरा क्या है, गोल ओरिएंटेड। तीसरा है कि उस गोल को कैसे अचीव करना है। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट क्या है कि प्लानिंग भैया परवेजिव है, हर लेवल पे, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ पे लगना है। नेक्स्ट क्या है कि प्लानिंग भैया इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार बनाया बैठ गया, बार बार देखना पड़ेगा। और प्लानिंग में चॉइसेस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को, एक सिचुएशन को डील करने के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट तरीका ये अपने को चूज करके रखना है। क्लियर हो गया? तो ये थे तुम्हारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब ये पढ़ के तो लग रहा होगा ना कि प्लानिंग से तो अच्छी कुछ चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, प्लानिंग के भी लिमिटेशंस होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक में बहुत अच्छा ही है तो दूसरा भैया ठीक उसका अपोजिट होता है। तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। पहला है लिमिटेशन इन एक्यूरेसी, मतलब प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। हमने एक बार साल के स्टार्टिंग में प्लान बना लिया, ठीक है, तो क्या जरूरी है वो हमारा प्लान काम कर जाए? हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, पूरा माहौल ही अस्त व्यस्त हो जाए, जिसमें वो हमारा प्लान फेल हो जाए। ठीक है, हमारा प्लान फेल हो जाए, जैसा हमने सोचा था वैसा काम हो ही ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्लान आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आप आगे आने वाले खतरे को डील कर सकते हो, डील कर सकते हो, कर जाओगे, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए प्लानिंग आपने कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एग्जीक्यूशन कैसे करते हो, साथ की बाकी सारी सिचुएशन कैसी होती है, आपका एनवायरमेंट कैसा होता है, इस सब पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है, मैं आपको खुद ही एक टास्क देता हूं, प्लान करो। ठीक है, कि हमारा अटेम अगला जून का है, प्लान करके बैठ जाओ कि ऐसे 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 करना है। फिर जब मेन एग्जाम आएगा, जरूरी है कि आप पास हो जाओ, अगर आप मेहनत ही नहीं करो, सिर्फ प्लान करके आज छोड़ दो कि रोज 10 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, रोज पढ़ो ही मत। ठीक है, ये अपना जो टारगेट है उसको पूरा ना करो, क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं क्लियर होगा। तो इससे क्या हमको समझ में आता है कि प्लान करने से हमको सक्सेस जो है वो गारंटीड मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि एग्जाम वाले दिन कुछ ऐसा हो जाए कि आप सेंटर ना जा पाओ, ठीक है, कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाए, वैसा आई होप कि ऐसा ना हो, बट एक अपन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक सिचुएशन ले रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एग्जाम वाले दिन कुछ हो जाए, आपका एडमिट कार्ड अगर बाई चांस लॉस्ट हो गया, आप एग्जाम देने ही नहीं जा पाए, या आपको लेट हो गया, अलार्म नहीं बजा तो एग्जाम देने नहीं जा पाए, तो क्या हुआ? उस आपने प्लान किया, मेहनत किया, बट सक्सेस मिली क्या? नहीं मिली सक्सेस। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये इनएक्यूरेसी इसमें होती है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर को 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट। नेक्स्ट आते हैं अपन टाइम कंज्यूमिंग में। प्लानिंग भैया इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा इसमें टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि इसमें प्लान प्रॉपर बनाने के लिए हमको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं जो सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे लग जाती है। थर्ड पॉइंट है अपना रिजिडिटी का। रिजिडिटी मतलब एक बार अगर प्लान बन गया तो उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है, प्लान जो बनते हैं बहुत ही ज्यादा हमको एक रिजिड स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, जिसको हम बाद में वापस से ना चेंज नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर ही अपन ने देखा कि प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऑलरेडी हमने एक बार मेहनत करके, रिसोर्स लगा के एक प्लान तैयार किया है, अब वापस से उसको चेंज करना, वापस इतना टाइम लगा। हो सकता है आपके पास ऐसी सिचुएशन ही नहीं हो कि आपके पास अच्छा खासा टाइम हो गया वापस से प्लान कर पाओ। उस सिचुएशन में आपको
ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो ऑन द स्पॉट आप डिसीजन कैसे लोगे, जो आपने पहले प्लान कर रखा हो, जो आपका पहले टारगेट सेट हुआ उस बेसिस पे करोगे। तो प्लानिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा थोड़ा रिजिड हो जाता है, ठीक है, हमने एक बार प्लान कर लिया उसको बहुत ज्यादा हम फेवर में नहीं होते हैं कि उसको चेंज करें। तो वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज देम। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है भैया, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, टाइम मनी इन्फॉर्मेशन हमारा लगता है। फिफ्थ, प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन, तो प्लानिंग डिमांड्स टोटल कमिटमेंट टुवर्ड्स रिटन पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स एक्सेट्रा, इट रिस्ट्रिक्ट्स अ मैनेजर अननेसेसरली टू डिफाइंड एरियाज। प्लानिंग क्या है, एक बार अपन ने प्लान कर लिया उसके बाद आप कुछ अलग हटके करने लायक ही नहीं बचते हो, ठीक है। प्लान आपने बना लिया, क्यों बनाया भैया, इतनी सारी पॉलिसीज बनाई क्यों बनाई, उसको फॉलो करने के लिए। अब उसको अगर आप तोड़ के कुछ अलग हटके काम करोगे, ठीक है, आपने जो प्लान बनाया है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाई, उसको अलग हटके काम करोगे तो फिर प्लान बनाया है क्यों, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फंस जाता है मैनेजर, और उस कारण कुछ नया वो ऑर्गेनाइजेशन में चाह के भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको लगता है जो मैंने पहले इतनी मेहनत की थी वो वेस्ट हो जाएगी। इस कारण इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस वगैरह, ये सारी चीजें पीछे छूट जाती है प्लानिंग के चक्कर में। सिक्स्थ, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी भी हमारे फर्स्ट पॉइंट से इंटरलिंक्ड है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अननोन फैक्टर विच में लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लान इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है ऐसे कुछ अननोन फैक्टर आ जाए जिनके बारे में हमने एकदम बुरे से बुरे सिचुएशन में भी ना सोचा हो। जैसे एग्जाम्पल आप सभी के सामने COVID-19, किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जहां कोई एक वायरस ऐसे फैल जाएगा, पूरी दुकानें फैक्ट्री सब बंद हो जाएगी, इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन 10% 20% 30% लॉस का मार्जिन लेके चलता है, बट इसमें तो भैया फैक्ट्रीज कम हो गई, बंद हो गई, ठीक है, पूरा बिजनेस ही लोगों का बर्बाद हो गया, इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई नहीं सोचता है। यही आप एक लिमिटेशन बन जाती है प्लानिंग की, इन फ्यूचर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ सकती है जिसमें हमारा प्लान काम ही ना करे, और प्लान में हम ऑलरेडी अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करें जो कि पूरा हमको रिजल्ट उसका जीरो मिल सकता है। ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। क्या है टॉपिक अपना, फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, यानी आपको एक अच्छा प्लान बनाना है, बढ़िया मस्त प्लान बनाना है, पावरफुल प्लान बनाना है, तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मेक प्लान सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले जो भी प्लान बनाओ एकदम सिंपल ईजी बनाओ, ताकि जो लोअर लेवल का इंप्लॉई है, जो अगर कोई पढ़ा लिखा अनस्किल्ड इंप्लॉयज है, वो भी आपकी बातों को समझ जाए। एकदम सिंपल ईजी क्लियर कट प्लान रखो। फिर बी सेलेक्टिव इन प्लान, सक्सेसफुल मैनेजर नेवर ट्राई टू कवर टू मच टेरिटरी। सेलेक्टिव रहो, एरिया पहले से डिसाइड कर लो कि आपको किस एरिया में, किस टेरिटरी में, किस तरीके से काम करना है, बहुत सारी चीजें एक टाइम पे मत लो। तीसरा पॉइंट, प्लान शुड मीट द नीड्स ऑफ दोज हु इंप्लीमेंटेड। ध्यान में रखो कि जो आप प्लान कर रहे हो आपकी नीड्स को, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा हो। फोर्थ पॉइंट, शुड नॉट ओमिट एनी फंक्शन और ओवरलुक एनी नेसेसरी डिटेल्स। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूट जाए प्लान बनाते टाइम, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू गैरी भाई साहब, टू प्लान इफेक्टिवली द मैनेजर शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है। गैरी भाई साहब के अकॉर्डिंग, बाबा गैरी के अकॉर्डिंग, ये और भी ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं कि जिन बातों का ध्यान उस मैनेजर को रखना चाहिए जो प्लान कर रहा, ताकि वो जो प्लान बनाए एकदम इफेक्टिव हो, एकदम कारगर हो, किसी भी सिचुएशन में काम कर जाए, अनसर्टिनिटी से भी कुछ हद तक वो होप अप कर ले। तो क्या वो सारे पॉइंट है, देख लेते हैं। सबसे पहला, डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब, या फोरकास्टिंग जो अपन बोलते हैं, मतलब क्या, फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट करना कि कल क्या हो सकता है। तो ये पॉइंट वही बोल रहे हैं, डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट। ट्राई करो कि आप फ्यूचर की जो फोरकास्टिंग है उसको आप एक्यूरेटली डेवलप कर पाओ, क्योंकि अगर आपके फोरकास्टिंग में गड़बड़ आ जाएगी तो आपका प्लान गड़बड़ बन जाएगा, और प्लानिंग ही गड़बड़ हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल ही नहीं पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में भी सब गड़बड़ होने वाला है। तो जो फोरकास्टिंग है आपकी, वो आप प्रॉपर टेक्निक्स लगा के उसको अच्छी तरीके से बना लो। फोरकास्टिंग कैन बी मेड एक्यूरेट बाय एजुकेटिंग द forecasting users is an art of relating the forecasting technique to principal problems, also encouraging the people who are interested with the forecasting job to look into the informal leads of the manager. ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर टू पे, गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। क्या बोल रहा है ये, इट इज नेसेसरी टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट फ्रॉम देम। This can be done by soliciting the subordinates' participation in the planning process itself. Gain acceptance of the plan. हम plan बना रहे हैं, कौन plan बनाते हैं, किसी भी organization के top। इसके लिए plan बनाते हैं, organization के लिए बनाते हैं। Organization मतलब कौन, सारे level, top level वालों का काम होता है plan बनाना। Actual में, ठीक है, actual में plan को जीता कौन है, उसको implement कौन करता है, middle level वाले, lower level वाले उस पर work करते हैं।
तो जिनके लिए आप प्लान बना रहे हो उनसे भी कंसल्ट कर लो, उनकी भी बातें सुन लो, उनसे एक्सेप्टेंस ले लो कि हमने ये प्लान बनाया, आपको क्या लग रहा है, क्या आपको ये प्लान एक्सेप्टेड है, क्या आप इस तरीके से काम करने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आप प्लान बना रहे हो तो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर लो, ताकि वो भी अपने टाइमली इनपुट्स आपको दे पाए, क्योंकि अल्टीमेटली काम उन्हीं को करना है। अगर आपने अपनी तरफ से प्लान बनाया, बहुत ही ज्यादा काम दे रहे हो सबऑर्डिनेट्स को, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, सबऑर्डिनेट्स गुस्सा हो जाएंगे, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को केओस क्रिएट नहीं करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके लिए क्या करो, प्लानिंग प्रोसेस में सबऑर्डिनेट्स के भी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करो, सिंपल। थर्ड, प्लान मस्ट बी साउंड वन, ठीक है, प्लान मस्ट बी साउंड वन। साउंड वन मतलब बहुत ही सुंदर, मीठा, मधुर, बढ़िया होना चाहिए प्लान, ठीक है, कोई भी लूप होल्स उसमें ना हो, ठीक है, वेगनेस उस प्लान में ना हो, ऐसा अच्छा खासा आपका प्लान होना चाहिए। प्रॉपर आपको प्रोज एंड कॉन्स स्टार्टिंग में ही देख लेने हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें उसमें इंक्लूड नहीं करनी है, और तब जाके आपका एक बढ़िया प्लान यहाँ पे बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट, डेवलप एंड इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इन्वॉल्व आंसर टू सेवरल क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अ ब्लूप्रिंट फॉर प्लानिंग एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एज सच, ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट, बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमको बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहना है। द मैनेजर शुड नॉट हेसिटेट टू वेरीफाई द ट्रूथ बिहाइंड द pessimistic notations and beliefs, notions and beliefs to see the planning is successful, manager must be objective, manager को बहुत ही ज्यादा objective रहना है, ठीक है, काम properly हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो हम plan बना रहे हैं वो हम properly attain कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लो किसी भी company की एक capacity है कि वो 10,000 product बना सकती है, ठीक है, 10,000 commodity, 10,000 product, 10,000 units बना सकती है एक साल में, ठीक है। अब अपन plan कर ले रहे हैं कि 1,00,000 बना, ठीक है, तो प्लान करने से थोड़ी ना होगा, हमारी कैपेसिटी ही जब 10,000 की है और हम प्लान 1,00,000 का कर रहे हैं तो यहाँ पे गड़बड़ है। हमको यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके सारी सिचुएशंस को देखना है, ठीक है, कि क्या हम वो काम एक्चुअल में कर भी सकते हैं या नहीं, जो काम कर ही नहीं सकते और जबरदस्ती हम अपने लेबर्स को फोर्स करेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, अगेन केओस क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, मेजर्स फर्म मार्केट वैल्यू, फर्म की मार्केट वैल्यू क्या है। वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज टू मेजर द टोटल मार्केट एंड सी द ऑर्गेनाइजेशनल शेयर्स इन मार्केट is as large as possible. For this, the manager should estimate the firm's share in the market. Firm का शेयर मार्केट में आपकी पोजीशन कितनी है, जितना बड़ा मार्केट है आप उसमें से कितना शेयर, कितना परसेंटेज आप एक्वायर करते हो, ये देखो। सेवेंथ पॉइंट, डिसाइड इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर abandoning द प्रोजेक्ट, यानी आप कोई भी प्रोजेक्ट को कब खत्म कर दोगे, कब उसको स्क्रैप करोगे, इसका क्राइटेरिया पहले में ही स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर एट, सेटअप अ मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, प्लान बना लिया बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू मॉनिटर भी करते रहो कि क्या जो काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमॉन, क्या क्या जो काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए एक मॉनिटरी सिस्टम बैठा दो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, रिवाइज द लॉन्ग टर्म प्लान एवरी ईयर, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान, यानी 10 साल 5 साल के लिए अपन जो प्लान बना रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान हो गया, उसको हर साल रिवाइज करते रहो, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाते रहो, क्योंकि क्या है, बिजनेस के डायनेमिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, इन्वायरमेंट क्या है बहुत ही ज्यादा हाईली डायनेमिक है, तो चेंज इन्वायरमेंट, ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने जो बिजनेस डायनेमिक्स है, जो आपके प्लान है, उसको भी साल बाय साल रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं हो जाए कि आपने बैक डेटेड काम को आप लेके चल रहे हो फ्यूचर में, ठीक है, प्रेजेंट में आप कोई पास्ट की चीजों को लेके रखे हुए हो, तो ये इसमें गड़बड़ चीज यहाँ पे अगेन हो जाएगी। बार बार जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान है उसको हर साल रिवाइज करते रहो, देखते रहो कि क्या हम और बेटर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, फिट द प्लान टू अ सिचुएशन, दीज डेज प्लानिंग हैज बिकम सिचुएशनल, अ चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट मस्ट बी सेंस्ड एंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी मस्ट बी डिटरमाइंड टू कोप अप विद द चेंज, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लान को यहाँ पे फिट कर देना है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की सिचुएशन रोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है, किसी भी कंपनी को फेस करनी पड़ती है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से एक प्रॉपर प्लान आप बना लो, उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए कि जैसे ही कोई सिचुएशन चेंज हुई तो ये वाला प्लान अपन रख देंगे, ठीक है, प्लान ए एक सिचुएशन में काम कर रहा था, सिचुएशन चेंज हो गई, तुरंत स्विच कर लो प्लान बी के ऊपर, क्लियर हो गया। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब आगे आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। अब ये जो प्लान बन रहा है इसका प्रॉपर पूरा प्रोसेस क्या है, किन स्टेप्स में, ठीक है, प्रोसेस है यानी स्टेप्स आने ही है इसमें, तो किन स्टेप्स में एक प्रॉपर प्लान जो है हमारे पास बन के निकलता है, तो पहले एक बार देख लेते हैं टोटल कितने स्टेप्स हैं। तो टोटल अपने पास 8 स्टेप है, सारे स्टेप ऐसे ही लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो उसको सबसे पहले एनालाइज करो, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसको आप होल्ड कर सकते हो, जिसमें आप खेल सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्लियर। फिर एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव,
अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली, उससे रिलेटेड अब आप ऑब्जेक्टिव बना लो, अब आप टारगेट कर लो कि भैया ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है और इसको मुझे इस तरीके से फुलफिल करना है, ये मेरा टारगेट यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली टारगेट सेट कर लो दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर, ठीक है। प्रीमाइसेस मतलब क्या, अजम्पशन करना, ठीक है। अजम्पशन बनाना किसके रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग। प्रेजेंट में तो हम कोई अजम्पशन ले नहीं सकते, पास्ट के लिए कभी कोई अजम्पशन होता नहीं है। अजम्पशन मतलब क्या, हम ये मान के चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे जाके ऐसा होगा, ठीक है, आगे जाके ऐसा होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। जैसे एक अपन अज्यूम ले लेते हैं कि भैया अब हो सकता है कोरोना और ज्यादा इंडिया में ना फैले, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन हमको ना देखने को मिले। ये क्या हमारा अजम्पशन है, जरूरी है क्या ऐसा हो, जरूरी नहीं, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहला मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो कि किस अपॉर्चुनिटी को आप टैप कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप अपना ऑब्जेक्टिव एक टारगेट सेट कर लो, फिर प्रीमाइसेस बनाओ यानी अजम्पशन लगाओ कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है और हम उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स मतलब एक प्रॉब्लम को, ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरियस तरीके हो सकते हैं। आइडेंटिफाई करो कि एक प्रॉब्लम को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, उसको लिस्ट डाउन कर लो कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब देखो कि जितने सारे अल्टरनेटिव्स आपने निकाले उसमें से बेस्ट कौन सा है, ठीक है, उसमें से बेस्ट कौन सा है, तो जो बेस्ट होगा उसको भैया सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सारे अल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स देख लो, फिर उसमें से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लो, फिर उसको इंप्लीमेंट कर दो अपने प्लान में, उसको लगा दो, ठीक है। इंप्लीमेंट मतलब पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, जो आपने प्लान बनाया है, जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया उसको इंप्लीमेंट करो और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहो, देखते रहो कि क्या काम हमारा उस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से हमने प्लान किया था या नहीं हो रहा है। तो ये है अपना प्लानिंग प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सा, टेंशन नहीं लेना, 8 पॉइंट है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले एनालाइज करो कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसको अपन ग्रैब कर सकते हैं, फिर एक अपना टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करने के बाद फ्यूचर में देखो कि भैया अजम्पशन क्या अपन ले सकते हैं, कैसी कैसी टाइप की सिचुएशन हमको फेस करने को आ सकती है। अब उन सिचुएशन के सॉल्यूशन देखो कि उन सिचुएशन को आप किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजों को लिस्ट डाउन कर लो, वही है आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। अब हर सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करो, ठीक है, कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, किसमें क्या प्रोज है, किसके क्या कॉन्स है, इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने के बाद जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद उस सिलेक्टेड प्लान को इंप्लीमेंट करो, ठीक है, एक्शन में लेके, और फिर उसको रिव्यू करते रहो कि क्या काम उसी प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। तो ये थे टोटल हमारे 8 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस के। इसी के साथ हमारा प्लानिंग प्रोसेस वाला भी जो टॉपिक है खत्म होता है, बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अप्रोचेस टू प्लानिंग, किन किन तरीके से अपन प्लानिंग कर सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक, पहला है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब इसमें मेजॉरिटी जो रोल है वो टॉप लेवल मैनेजर्स का होने वाला है। टॉप लेवल वाले मैनेजर्स क्या है, वो प्लान वगैरह बनाएंगे और उसको नीचे अपने लोअर लेवल को, यानी मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल वाले फिर लोअर लेवल को सौंप देंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैनेजर्स अदर देन दोज एट टॉप लेवल हैव लिटिल रोल इन प्लानिंग, दे हैव ओनली टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड डे टू डे कंट्रोल। टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप लेवल वाले नीचे वालों को भैया प्लान बता देंगे और नीचे वालों को उसको फॉलो करना है, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक, उसी का उल्टा बॉटम डाउन क्या है, दिस इज द रिवर्सल ऑफ अबव अप्रोच इन द सेंस दैट प्लान प्रपोजल ओरिजिनेट एट द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल, ट्रेवल अप द मैनेजमेंट हायरार्की इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर एंड रीच द टॉप लेवल फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। इन दिस अप्रोच टॉप मैनेजमेंट जनरली रिफ्रेन्स फ्रॉम गिविंग एनी गाइडलाइंस टू लोअर मैनेजमेंट लेवल्स ऑन व्हाट टू प्लान एंड हाउ। अब इसमें क्या होगा, जो लोअर लेवल वाले मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक प्लान बनाएंगे, अपने ऊपर लेवल पर पहुंचाएंगे, फिर ऊपर लेवल वाले उसको और ऊपर वाले लेवल पे पहुंचाएंगे, और जब वो टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा टॉप लेवल वाले देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उनको सही लगेगा तो हाँ कर देंगे, ठीक है। इसके लिए टॉप लेवल वाले क्या बोल रहे हैं, जनरली रिफ्रेन्स फ्रॉम गिविंग एनी गाइडलाइंस टू लोअर लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल ऑन व्हाट टू प्लान एंड हाउ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, कंपोजिट अप्रोच। पहला था टॉप टू बॉटम, टॉप वाले बनाएंगे नीचे वाले को बताएंगे, बॉटम टू अब नीचे वाले बनाएंगे टॉप लेवल को बता देंगे। अब ये कंपोजिट क्या है, हियर टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड ब्रॉड पैरामीटर्स एंड गाइडलाइंस टू एग्जीक्यूटिव एट मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, अलाउज द नीडेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू फॉर्मुलेट टेंटेटिव प्लान्स विच आर रिव्यूड एंड फाइनलाइज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इन कंसल्टेशन विद ऑल द मैनेजमेंट एट अप्रोप्रिएट लेवल। यानी यहाँ पे क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले हैं वो खुली छूट दे देंगे, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे हर लेवल को कि वो अपने आइडियाज के साथ आ सकते हैं, सब अपने इनपुट्स देंगे, टॉप लेवल वाले उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या सही है या नहीं है, बाकी मैनेजर्स के साथ हर एक पर अपने अपने लेवल पे उसको डिस्कस करेंगे और तब जाके हमारा जो फाइनल प्लान है वो बन जाएगा। द अप्रोच इज यूजफुल टू इवॉल्व cooperate wide plans also which partly draws inspiration from planning ideas and perspective generated at lower level।
नेक्स्ट देख रहे हैं अपन फोर्थ टीम अप्रोच, ठीक है। अभी तक आई होप तीनों क्लियर हो गएंगे। चौथा है टीम अप्रोच, इसमें क्या है अपन एक टीम बना लेंगे, ठीक है। द टास्क ऑफ प्लानिंग इज डेलीगेटेड टू अ सिलेक्टेड टीम ऑफ मैनेजर, द टीम फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्लानिंग करने की जिम्मेदारी अपन एक टीम बनाएंगे और उस टीम को सौंप देंगे। वो टीम को कौन सुपरवाइज करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सुपरवाइज करने वाला। उस टीम का काम होगा कि जो भी सारा प्लानिंग प्रोसेस है, सारे जो उनको प्लानिंग प्रीमाइसेस लेने हैं, सारे अजम्पशंस उनको जो बनाने हैं, सिचुएशन सारी एनालाइज करनी है, प्रेजेंट पोजीशन देखनी है, फ्यूचर का टारगेट देखना है, सारा का सारा काम प्लानिंग से रिलेटेड वो टीम करेगी। टीम के ऊपर सुपरवाइज कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा। इट डज नॉट फाइनलाइज प्लान एज सच बट इंस्टिगेट्स द प्लानिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइज द एरियाज ऑफ प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज, एग्जामिन्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, सॉलिसिट्स आइडियाज एंड फॉर्मुलेट टेंटेटिव प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव। द टीम इज यूज्ड बाय द लेटर एज हिज ब्रेन ट्रस्ट, इट मे इवन बी आस्क्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्लान एंड रिव्यू परफॉर्मेंस। क्या होगा भैया, टीम का काम है प्लान बना दिया, जाके उसको एग्जीक्यूटिव को सौंप दिया, एग्जीक्यूटिव देखेगा कि प्लान सही है या नहीं है और वो उसको आया ना कर देगा। क्लियर हो गया। उसके बाद जो टीम बनी है उसको वो ये भी काम दे सकता है कि जो भी प्लान अपन ने किया है, जो भी फॉलोअप लेना है, ठीक है, प्लान अपन ने इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद प्लान क्या ठीक से काम जो है प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको आप चेक करते रहो। तो ये काम भी जो एग्जीक्यूटिव है वो उस टीम को सौंप सकते। तो ये है हमारे चार तरीके और अप्रोचेस टू प्लानिंग। पहला क्या है, टॉप लेवल बताएंगे, बॉटम वाले फॉलो करेंगे। दूसरा, बॉटम वाले बनाएंगे प्लान, टॉप वाले देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फाइनलाइज कर देंगे। तीसरा है कंपोजिट अप्रोच, यानी टॉप वाले भी आएंगे, लोअर लेवल वाले भी आएंगे, दोनों साथ में मिलकर सोचेंगे और एक प्लान अपना प्रॉपर बना देंगे। चौथा क्या है, टीम अप्रोच, एक अलग से टीम अपन बना देंगे जिसका काम रहेगा कि वो सारी चीजें देखें, इंटरनल इन्वायरमेंट को समझे, बिजनेस के अजम्पशंस लें, दुनिया भर का सारा काम करें और एक प्लान बना के एग्जीक्यूटिव को दे दें और फिर वो एग्जीक्यूटिव हाँ या ना करेगा उस प्लानिंग के ऊपर। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब अपन ने देखा कि प्लान बनाने के अप्रोचेस क्या होते हैं, अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। तो भैया दो ही टाइप्स के प्लान होते हैं, पहला है अपना स्टैंडिंग प्लान, दूसरा है अपना सिंगल यूज प्लान। नाम से इनका काम समझ में आ रहा है, स्टैंडिंग प्लान खड़ा है बहुत टाइम से कंटिन्यूस में, ठीक है। यानी एक ऐसा प्लान, ठीक है, एक ऐसा प्लान अपन बना के रख लेंगे जो हमको सेम सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहेगी, वहां पे उस प्लान को लगाओ सोल्यूशन निकाल। वेयर इज सिंगल यूज प्लान, मतलब कुछ एक ऐसी सिचुएशन है उसके लिए अपन ने प्लान बनाया है, वो सिचुएशन गई, प्लान भी तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है, एकदम इतना ही इजी है। टेक्स्ट भी पढ़ लेते हो ना, तुमको ना डाउट होता रहेगा कि सही में इतना इजी क्या, अरे इतना ही इजी है। पढ़ो स्टैंडिंग प्लान्स। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर द प्लान्स विच आर यूज रिपीटेडली इन सिमिलर सिचुएशन, ठीक है। सेम सिचुएशन में बार बार अपने को एक ही चीज एक्शन लेना है तो उसके लिए एक स्टैंडिंग प्लान बना दो, ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई ये काम कर देना है। स्टैंडिंग प्लान इज यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान एक जगह पे खड़ा है, कंटिन्यूस पोजीशन है, बार 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 उसी चीज को अपने को यूज करना है। इट एक्ट एज अ गाइड फॉर थिंकिंग एंड एक्शन। स्टैंडिंग प्लान इज स्टैंडिंग आंसर टू रिकरिंग प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो बार 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 रिपीट हो रही है, रिकरिंग नेचर की है, तो उसके लिए स्टैंडिंग प्लान एक आंसर है। एंड इट इज ऑफ परमानेंट नेचर। स्टैंडिंग प्लान सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको आसान बना देता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर लिए, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। एज दे डिसाइड इन एडवांस वॉट एंड हाउ ऑफ अ वेराइटी ऑफ ऑपरेशन, दे मेक इट पॉसिबल फॉर मैनेजर्स टू स्पेंड देयर मोस्ट क्रिएटिव एफर्ट्स इन सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स आर एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर एंड रूल्स आर इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है। ये क्या, ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर और रूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। क्या क्या, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी रूल्स, ठीक है, और प्रोसीजर, ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग प्लान। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग प्लान है या सिंगल यूज प्लान है या नन ऑफ दीज है या दोनों भी है, तो आपको आंसर करना है कि ऑब्जेक्टिव हमारा स्टैंडिंग प्लान है, ऑब्जेक्टिव हमारा स्टैंडिंग प्लान है। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होगा, ऐसा प्लान जो ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार रिकरिंग नेचर की, रोज रोज हमको देखने को मिल रही है, फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है, उसका ये आंसर है अपना कौन सा, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान, A single use plan is used once and then it is discarded. एक बार use किया, खत्म। खत्म। It is designed to fit the demands of a specific situation or goal and it is used up when the goal is achieved or the situation is over. ठीक है? ये कब use हो जाएगा, जब goal हमारा achieve हो गया, जो situation है वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई। A single use plan is used for short period of time. Budget, schedules, projects, etc. are example of single use plan. क्या क्या, budget, schedules, project, ये सारे किसके example है, single use plan के। क्या क्या है, budget, schedules और project। आगे, standing plans are prepared for repetitive activities while single plans are meant for non-repetitive activities. ठीक है, standing plan क्यों बना रहे हैं, repetitive nature की activities के लिए बना रहे हैं, whereas single plan एक बार भैया कोई अलग type की हमको activity देखने को मिल गई, अलग type की situation आ गई, उसके लिए हमने plan बनाया और वो जैसे ही हमारा goal achieve हुआ, problem हमारी solve, वही प्लान भी वही का वही खत्म। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अपना टॉपिक
प्लानिंग प्रीमाइसेस, ऊपर जो अपन ने देखा एक छोटू से प्यारे से पॉइंट में था, वो छोटू अब बड़ा हो गया है, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया है, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो बन गया है, पिकाचू अब राइचू बन चुका है। प्लानिंग प्रीमाइसेस को अब थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, हालांकि बात वही है, एक दो टॉपिक्स और इसके अंदर में उसको अपने को देखना है। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब क्या, प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब सेट ऑफ अजम्पशंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फोरकास्टिंग द फ्यूचर, इट इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट प्लानिंग। क्या है, बिल्कुल लॉजिकल है और सिस्टमैटिक है। क्या लॉजिकल और सिस्टमैटिक है, एस्टिमेट्स है। किस चीज के बारे में एस्टिमेट्स है, तो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर फैक्टर्स के बारे में ये अपना एस्टिमेट है, जो क्या है प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है। प्लानिंग प्रीमाइसेस इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ प्लानिंग फेज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट है किसका, प्लानिंग फेज का। अब भैया जो प्लानिंग प्रीमाइसेस है कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री हेड, जल्दी से देखेंगे कौन से थ्री हेड्स हैं। तो पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। इंटरनल मतलब अंदरूनी, यानी जो बाउंड्री के अंदर है वो क्या हो गया इंटरनल, जो बाउंड्री के बाहर है, किसकी बाउंड्री के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की, कंपनी की बाउंड्री के बाहर, क्या हो गया एक्सटर्नल हो गया। वही मीनिंग है क्या, अरे वही मीनिंग है बिल्कुल। देखो द प्रीमाइसेस विच एग्जिस्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ बिजनेस आर इंटरनल प्रीमाइसेस, दिस इंक्लूड सेल फोरकास्ट, कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग, मार्केटिंग मिक्स, कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजरियल पर्सन एक्सेट्रा। एक्सटर्नल प्रीमाइसेस ऑन द अदर एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बिजनेस, कंप्राइजेस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इन द इकोनॉमी। जो आपके बिजनेस के अंदर में है, बिजनेस के आपके कंट्रोल में है, वो क्या हो गया इंटरनल प्रीमाइसेस। जो आपके कंट्रोल के बाहर है, ठीक है, वो क्या हो गया एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। ठीक है, वही चीज यहाँ पे घुमा फिरा के वापस चीज आ गई, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। जो चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो सेमी कंट्रोलेबल, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल है अनकंट्रोलेबल। देख लो, कैन बी कंट्रोल्ड कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस, सेमी कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस सम कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस, एकदम सिंपल, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं है अपने को। नेक्स्ट आगे टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो दिखे वही है टेंजिबल, जो ना दिखे वो इंटेंजिबल, क्या यही मतलब है, नहीं, थोड़ा सा अलग मतलब है। क्या है, एनी प्रीमाइस विच कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड इज अ टेंजिबल प्रीमाइस, ठीक है, जिस भी प्रीमाइस को हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं वो क्या हो गया क्वांटिटेटिवली प्रीमाइस हो गया, या हमारा टेंजिबल प्रीमाइस हो गया। दिस प्रीमाइस कैन बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे प्रीमाइसेस जिसको हम टाइम मनी और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या हो गया हमारा टेंजिबल प्रीमाइसेस। वेयर एज इनटेंजिबल क्या है, जिसको अपन क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, सच एज पब्लिक रिलेशन, अब इसकी क्या वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इंप्लॉय का मोरल, ठीक है, इंप्लॉयज के एथिक्स, इंप्लॉय की लॉयल्टी कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में आप नहीं निकाल सकते। रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, आपकी फर्म की क्या रेप्यूटेशन है मार्केट में, प्रॉपरली नहीं निकाल सकते। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का क्या कॉम्पिटिटिव एज है, आपकी फर्म की क्या स्ट्रेंथ है, मॉनेटरी वैल्यू में कभी भी नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, इंप्लॉयज हमारे लॉयल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये हमको पता है कितने लॉयल है, कितने अमाउंट के लिए लॉयल है, कितने यूनिट्स के लॉयल है, ये कभी भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसी चीजें, ऐसे प्रीमाइसेस जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी टाइम या यूनिट्स, तो वो क्या हो गए इंटेंजिबल प्रीमाइसेस। ऐसे प्रीमाइसेस जिनको हम मनी टाइम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, वो क्या हो गया टेंजिबल प्रीमाइसेस। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला टॉपिक तुमको दिख रहा होगा ऑर्गेनाइजिंग, बट ये हमारा आज का टारगेट नहीं है, आज का टारगेट था हमारा प्लानिंग का, जो कि अब पूरा हो चुका है। एक बार देख लेते हैं फिर से, प्लानिंग प्रीमाइसेस अपन ने देखा, टाइप्स ऑफ प्लान देखा, अप्रोचेस टू प्लानिंग देखा, प्लानिंग प्रोसेस अपन ने देख लिया, इफेक्टिव प्लान कैसे बनाना है वो देख लिया, प्लानिंग के लिमिटेशन देख लिया, फीचर्स ऑफ प्लानिंग देख लिया, डेफिनेशन और प्लानिंग का यहाँ पे मीनिंग देख लिया, बहुत सारे टॉपिक्स अपन ने देखे। और लाइकवाइज अब प्लानिंग में हमारा कवर करने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है, प्लान का जो टॉपिक है, प्लानिंग का जो पूरा टॉपिक है पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब तुमको दिख रहा होगा ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम कवर करेंगे हमारे अगले पार्ट। क्लियर हो गया, तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय टाटा गुड बाय, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक के साथ। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।